बाजरे की फसल के बाद में आगे बात करेंगे अपन गेहूं की फसल। कौन सी? गेहूं, वीट। गेहूं का उत्पादन भारत में दूसरा स्थान रखता है। भारत सर पहला स्थान किसका है? चाइना का। और क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का प्रथम स्थान है। गेहूं का जो वानस्पतिक नाम है टिटिकम, टिटिकम एस्टिवम, टिटिकम एस्टिवम। एक होता टिटिकम ड्यूरम। टिटिकम ड्यूरम। ये मेले की बात करें तो ग्रेमिनी या पोएसी। ये मिली की बात करें तो ग्रेमिनी या पोएसी। एक क्वेश्चन बताया था मैंने आपको, मक्का को अनाज की रानी कहते हैं और राजा मोटे अनाज का राजा जवार को। अगर सीधा क्वेश्चन है अनाज वाली फसलों का राजा किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं? गेहूं को। तो अगर राजा तो सर जवान में बता, राजा मोटे अनाज का, क्या है? मोटे अनाज का राजा जवार, अनाज की रानी मक्का और अनाज का राजा गेहूं। इसका उत्पत्ति स्थान दक्षिणी पश्चिमी एशिया। क्या है? दक्षिणी पश्चिमी एशिया। देखो गेहूं की फसल विश्व में एशिया महाद्वीप प्रथम स्थान पे। एशिया महाद्वीप में भी लगभग 90% गेहूं का उत्पादन होता है। गेहूं का चीन के बाद भारत का प्रथम स्थान है। क्या है? प्रथम स्थान है। सॉरी, भारत का चीन गेहूं का भारत का गेहूं में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। क्या है? दूसरा स्थान है। क्षेत्रफल में पहला स्थान है। राजस्थान में बात करें, राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़, राजस्थान में गंगानगर हनुमानगढ़ आदि जिलों में खेती की जाती है। गंगानगर हनुमानगढ़, गंगानगर को अन्न का कटोरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अन्न को कटोरा, अन्न का कटोरा। किसे कहते हैं? गंगानगर को। उत्पादकता बात करें पहले गेहूं के उत्पादन, गेहूं का उत्पादन भारत में उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। कौन सा? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा आदि आदि राज्यों में इसकी खेती की जाती है और प्रथम स्थान यूपी का है। उत्पादकता की बात करें, उत्पादकता सर्वाधिक है पंजाब की। देखो पंजाब की
1960-62 के लगभग एक रेगिस्तानी क्षेत्र था पंजाब और हरियाणा, लेकिन जब 1966-67 में अंदर 1966-67 के अंदर हुआ क्या था कि जब नॉर्मन बोर लोग इन्होंने क्या मेक्सिको में बोनी प्रजातियों का विकसित की थी। बोनी प्रजाति पहले प्राचीन काल में मर दादा परदादा के टाइम में गेहूं की किस्में होती थी, वो इनकी हाइट 5-7 फुट होती थी और उत्पादन लगभग एक हेक्टेयर में 10-15 क्विंटल इतना ही होता था। लेकिन जब नॉर्मल बोलोग ने बोनी किस्में उनकी हाइट कम और दाने की मात्रा ज़्यादा विकसित, तब भारत की में 1966-67 के अंदर डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने बोनी किस्में भारत में लाकर पंजाब हरियाणा के में पंजाब और हरियाणा राज्य में उत्पादन किया गया, तब भी भारत की आज हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं? हरित क्रांति को जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को किसे कहते हैं? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहते हैं। इसलिए पंजाब आज देखो भारत में जितने भी किसान आंदोलन है हो रहे हैं, अब वर्तमान में चल रहा है जो किसान के नए रूल है कि सहकारिया बंद हो जाएगी, डायरेक्ट कंपनी को माल बेचे, देखो उसमें क्या है पंजाब हरियाणा के राज्य आगे क्यों है? अरे किसान तो दक्षिण भारत के भी हैं, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, असम, उनकी देखो, लेकिन पंजाब हरियाणा ही आगे क्यों है? क्या वो किसान नहीं है? किसान तो वही थोड़ी है, लेकिन देखा है ना उस किसान आंदोलन में इतने पैसे खर्च करें पंजाब, लेकिन इसकी क्या की वहाँ प्रति जोत इकाई ज़्यादा है। प्रति जोत इकाई का मतलब होता है कि पहले प्राचीन काल में वहाँ पे रेगिस्तान था, जैसे अपने में पश्चिमी बाड़मेर, जैसलमेर में, बाड़मेर में, बीकानेर में जैसे रेगिस्तान, वहाँ पे भी रेगिस्तान था, लेकिन जो सिंधु नदी का पानी लाकर नहरें पंजाब हरियाणा नहरों से सिंचाई की गई, इसी कारण से वहाँ की उत्पादकता ज़्यादा हो गई। उत्पादकता होने से वहाँ के किसानों की प्रति जोत ज़्यादा है, उत्पादन ज़्यादा होता है, पैसा ज़्यादा मिलता है, इस कारण वो किसान आगे है। उसके बाद हम बात करें गेहूं को अनाज का राजा कहते हैं। क्या कहते हैं? अनाज का राजा। भारत में सर्वाधिक खाने वाली फसल है चावल, उसके बाद में गेहूं, और भारत में उत्पादन होने वाली सर्वप्रथम फसल है चावल, उसके बाद में गेहूं। गेहूं का उपयोग ब्रेड, चपाती, सूजी, मैदा, बिस्किट, दलिया आदि बनाने में काम में लेते हैं। क्या बनाते हैं? ब्रेड, चपाती, सूजी, मैदा, बिस्किट, दलिया आदि बनाने में काम में लेते हैं। गेहूं का पोटिंग नेम क्या होता है? टिटिगम एस्टिवम या टिटिगम ड्यूरम। फैमिली कौन सी इनकी? ग्रेमिनी या पोएसी। उत्पत्ति ऑर्गन दक्षिण पश्चिमी एशिया। उसके बाद हम बात करें जलवायु। जितनी भी ग्रेमिनी कुल की फसलें हैं उनमें गेहूं और जौ को छोड़ के सभी कौन सी थी? खरीफ की। गेहूं किसकी है? रबी की। रबी की तो शीत, तो शीतोष्ण जलवायु की फसल है। क्या है?
शीतोष्ण जलवायु की फसल है, तापमान खरीफ में 25 से 30 और रबी में 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त रहता है। मर्दा सोइल बलुई दोमट या दोमट मर्दा, कौन सी मर्दा? बलुई दोमट या दोमट मर्दा। खेत की तैयारी में सर्वप्रथम मिट्टी पलटने वाले हल से एक गहरी जुताई करने के बाद में दो तीन जुताई हैरो या कल्टीवेटर से करने के बाद मिट्टी पे पाटा लगाकर खेत को समतल कर लेते हैं। उन्नत किस्में, पहले बीज दर सीड रेट कितनी होती है? 100 किलो प्रति हेक्टेयर। कितनी होती है गेहूँ की बीज दर? 100 किलो प्रति हेक्टेयर। डिबलर की सहायता से 50 से 60 किलो। बीज उपचार 2 से 3 ग्राम, 2 से 3 ग्राम प्रति किलो बीज को फफूंदनाशी कार्बेंडाजिम या कैप्टोन या थायरम किसी से भी एक काम में लेते हैं। 2 से 3 ग्राम प्रति किलो बीज को उपचारित करते हैं। उसके बाद में किस्में, वैरायटी किस्में देखो, लर्मा राजो सोनारा 64 राज 3,777 एक है, राज 3,077 है। लोकपष्ट सोनालिका अर्जुन का दूसरा नाम है HT2 जानो। देखो अर्जुन कुछ समय होती है HT2 जानो, इसमें कभी भी 240 का प्रयोग नहीं करते। किसका? 240 क्या होती है, किस काम में ली जाती है, आगे बताएंगे। लर्मा राजो सोनारा 64 राज 3,777 राज 3,777 लोकपष्ट सोनालिका अर्जुन HT2 जानो। हीरा मोती और लाल बहादुर काफी किस्में है। किस्में लर्मा राजो सोनारा 64 राज 3,777 राज 3,777 लोकपष्ट सोनालिका अर्जुन 2009। इसमें अर्जुन 2009 में 240 काम में नहीं लेते। जलवायु कौन सी है? शीतोष्ण जलवायु। जितनी भी खरीफ की फसलें हैं उनकी उष्ण जलवायु और रबी की फसलें हैं उनकी शीतोष्ण जलवायु। तापमान रबी में 20 से 25 और खरीफ में 25 से 30। मृदा की बात करें, बलुई दोमट या दोमट मृदा जिसका पीएच 6 से 8, बीज दर 100 किलो प्रति हेक्टेयर, 2 से 3 ग्राम प्रति किलो को बीज को कार्बेंडाजिम या कैप्टोन या थायरम से उपचारित करते हैं। किस्में है? लर्मा राजो सोना 64 राह 3,777 राह 3,777 लोकपष्ट सोनालिका अर्जुन का दूसरा नाम है HT2 जानो। हीरा मोती लाल बहादुर HT2 जानो में कभी भी 240 का प्रयोग नहीं करते।
अब आते हैं खाद उर्वरक की। बुआई से पहले 20 से 25 टन गोबर की खाद, किसकी खाद? गोबर की खाद। अगर उपलब्ध हो तो कंपोस्ट की खाद मिला दे 10 से 15 टन 20 से 25 टन गोबर की खाद, 120 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 40 किलो पोटेशियम की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन कितनी? 120, फास्फोरस 60 किलो, पोटेशियम 40 किलो। इसमें नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस पोटास की पूरी मात्रा खेत में बुआई से पहले मिलाते हैं और शेष नाइट्रोजन की आधी मात्रा को दो भागों में बांट के पहले हरदम सिंचाई के साथ, इसके साथ हरदम सिंचाई के साथ क्या कहलाता है? प्रथम सिंचाई के साथ उर्वरक देना, फर्टिगेशन। और दूसरी ए बड़ा चार मात्रा कब काम लेते हैं? दूधिया अवस्था मिल्किंग। उसके बाद हम बात करेंगे सिंचाई की, सिंचाई इरिगेशन। सिंचाई गेहूं की फसल में सिंचाई की क्रांति की अवस्था के आधार पर पहली सिंचाई सीआरआई क्राउन रूट इरिगेशन, शीर्ष जड़ बनते समय कितने दिन पे? 21 दिन पे। सबसे महत्वपूर्ण अवस्था सिंचाई की गेहूं की सीआरआई अवस्था, कौन सी? सीआरआई, शीर्ष जड़ बनते समय 21 दिन पे प्रथम सिंचाई करनी चाहिए। अगर इस समय गेहूं की सिंचाई नहीं होगी गेहूं में तो उत्पादन में काफी नुकसान होगा। दूसरी है टिलरिंग, कौन सी है? टिलरिंग, कल्ले निकलना। कौन सी है? कल्ले निकलना। यह होती है 40 दिन पे, कब होती है? 40 दिन पे। तीसरी है लेट जॉइनिंग, लेट जॉइनिंग गांठ बनना। जब देखा है ना गेहूं के तने में बीच में गांठें बनती है, गांठ बनना, यह होती है 60 दिन के आसपास। कितने पे? 60 दिन के आसपास। चौथी अवस्था है फ्लोरिंग, फ्लोरिंग पुष्पन अवस्था, कौन सी है? पुष्पन अवस्था, यह होती है 80 दिन पे। फिर है मिल्किंग का अर्थ होता है दूधिया अवस्था। क्या होता है? दूधिया अवस्था। जब दानों में दूध जैसी संरचना बन जाती है वो होती है दूधिया मिल्किंग स्टेज। ये होती है 100 दिन के आसपास। कितने दिन पे? 100 दिन के आसपास। लास्ट है डप स्टेज, डप स्टेज ये होती है परिपक्व या पकाऊ या परिपक्व अवस्था या शुष्क अवस्था बोल सकते हैं। ये होती है 120 दिन पे। इन सभी क्रांतिक अवस्थाओं पे अगर गेहूं में सिंचाई करेंगे तो उत्पादन अच्छा होगा। अगर जैसे आपके पास एक ही सिंचाई उपलब्ध है तो आप कौन सी करेंगे? सीआरआई। अगर आपके पास दो सिंचाई है तो आप करेंगे सिंचाई सीआरआई और फ्लोरिंग। अगर आपके पास तीन सिंचाई है तो पहली, तीसरी और पांचवी। अगर चार है तो पहली, तीसरी, पांचवी और छठी। इसका क्रम याद रखना, क्रम के लिए देखो सिटी लेट बजी तो एफएमडी आ गई, ऐसे दिमाग में रखना। सिटी लेट बजी तो एफएमडी आ गई। एफएमडी पशुओं में वायरस जनित बीमारी है। सिटी का मतलब हो गया क्राउन सीआरआई, टी का मतलब हो गया
पिलरिंग पहले निकलना, लेट जॉइनिंग गांठे बनना, एफएम एफ का क्या होता है फ्लोरिंग उष्मन अवस्था, मिल्क एम का क्या होता है मिल्किंग दूधी अवस्था, डी का डप स्टेज। ये कितने दिन की होती है, 20 दिन, 40, 60, 80, 100, 120, ठीक है। आगे बात करेंगे कल, खाद उर्वरक हो गया, सिंचाई, उसके बाद अंतराकर्षी, खरपतवार नियंत्रण, प्रमुख रोग, उपज, कटाई, भंडारण क्षमता।